Good morning everyone. My name is Doyal Das Basu from South Kolkata branch. Dosto, आज के डेट में कौन सुंदर लगना नहीं चाहता, लेकिन सुंदर लगने के साथ साथ प्रेजेंटेबल होना भी बहुत जरूरी है। और प्रेजेंटेबल दिखने के लिए सबसे आगे जो बात आती है वो है हमारा स्किन। स्किन में अगर फ्लॉस दिखता है तो अच्छा नहीं लगता। जितना भी आप मेकअप करो फ्लॉस दिख ही जाता है। तो हर एक का फ्लॉस अलग अलग होता है, जैसे कि पिगमेंटेशन स्पॉट, एक्ने मार्क्स, ड्रनलेस, ड्राइनेस, एक्स्ट्रा ऑयली एंड शाइनी स्किन, या तो फिर इलास्टिसिटी किसी का नहीं रहता, अंडर आई डार्क सर्किल, क्रोस फीट, ये बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों, सोचने का टाइम अभी खत्म हुआ। वेस्टिज ने एक एसेंशियल एंड प्रीमियम क्वालिटी का स्किन केयर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट रेंज लेके आया है, जो है हमारा स्किन फॉर्मूला 9, जिसमें 6 प्रोडक्ट अवेलेबल है। एंड इसका 6 प्रोडक्ट्स का नेम मैं आप लोगों का भी बता रही हूँ। फर्स्ट यूथ एलिक्सर, सेकंड हाइड्रेशन क्रीम, थर्ड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, फोर्थ डीप क्लींजिंग ऑयल, ब्लेमिश जेल एंड अंडर आई सीरम। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों से यूथ एलिक्सर के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। यूथ एलिक्सर जो प्रोडक्ट है, कोई भी स्किन टाइप पे आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको। लेकिन जिनका स्किन बहुत ड्राई, डल हो गया है, स्किन में इलास्टिसिटी नहीं है, स्किन लूज हो जाता है, उन स्किन पे बहुत अच्छे से काम करेगा। 18 प्लस में कोई भी इसको अप्लाई कर सकते हो। एंड ये तो ऑल स्किन टाइप सूटेबल है ही, मेल एंड फीमेल बोथ इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत जल्दी स्किन को रिपेयर करता है एंड एक ब्यूटीफुल सा एंड ग्लोइंग सा स्किन आपको प्रोवाइड करता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को अभी बोलती हूँ कि ये जो यूथ एलिक्सर इतना अच्छा काम करता है, किस वजह से ये कर सकता है। यूथ एलिक्सर का जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत चुनिंदा इंग्रेडिएंट्स ये बनता है। तो फर्स्ट जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, ये एटीपी ब्लेंड पपाया एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसमें विटामिन ए है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट्स है वो है चुचुहासी एक्सट्रैक्ट, जो जल्दी जल्दी स्किन को हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। थर्ड जो है वो सबसे इनोवेटिव इंग्रेडिएंट्स है, वो है 24 कैरेट गोल्ड डस्ट, जो स्किन में एक मतलब जल्दी जो एक इंस्टेंट ग्लो आता है वो उसको बरकरार रखता है। एंड लास्ट में जो बोलना चाहूंगी वो है विटामिन सी, जो स्किन की जो कोलाजन है, कोलाजन को स्टिमुलेट करता है। जैसे कि सेल में कोलाजन अगर जल्दी जल्दी ग्रो होता है तो हमारा इलास्टिसिटी बरकरार रखता है, और इलास्टिसिटी अच्छा होने से स्किन ड्राई नहीं होने देता एंड वो डल भी नहीं होता, एंड जिसकी वजह से स्किन में रिंकल्स एंड फाइन लाइंस कम दिखता है। तो चलिए, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ज्यादातर लोगों को मैं बोलती हूँ कि ये दिन में एक बार एंड रात को सोने के आगे एक बार इसको अप्लाई करना है। तो मेरे हाथ में अभी यूथ एलिक्सर आप लोग देख सकते हो। तो ये देखिए, इसका कैप आपको ओपन करना है। पहले आप क्या करिएगा, मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। हमारा ये जो प्रोडक्ट रेंज है, इसमें डीप क्लींजिंग ऑयल एक प्रोडक्ट आता है। डीप क्लींजिंग ऑयल पहले आप फेस में अप्लाई कीजिए, फिर उससे अच्छे से मसाज करके पानी से उसको धो लीजिए, तो पूरा स्किन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद एक मिनट स्किन को ड्राई करके, ये जो आप देख रहे हो यूथ एलिक्सर, ये आपके हैंड में यहाँ पर 1 pump आपको लेना है। फिर आप 5 drops कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर सीरम टाइप का कोई भी फेस का क्रीम आपको इवनली सर्कुलेट फेस पे होना चाहिए। इसीलिए आप हाथों से लेकर 5 drops, फोरहेड, 2 cheeks पे 2 drop, नोज पे 1 एंड चिन पे 5 drops आपका हो गया। अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये जो हमारा जो मिडिल फिंगर है, इसमें हमारा स्ट्रेंथ बहुत कम रहता है, तो फेस में ये अच्छे से क्रीम को आप और आप मसाज करेंगे। मसाज हो गया, उसके बाद अगर आप घर पे रह रहे हो, खाना पका रहे हो या फिर मोबाइल फोन ऑपरेट कर रहे हो, इसलिए जरूर आपको इसके बाद सन प्रोटेक्शन लगाना जरूरी है। और अगर बाहर आप जा रहे हो तो आपको फाउंडेशन, जैसे कि हमारा मिस्टर ऑफ प्लान में फाउंडेशन है, उसमें भी SPF 30 है, तो यूथ एलिक्सर के बाद अगर आप SPF 30 या फिर फाउंडेशन अगर आप अप्लाई करते हो, तो फाउंडेशन पहले तो आपको एक मेकअप लुक देता है, सेकंड इसमें SPF 30 भी है। तो बाहर आप जब जा रहे हो तो फाउंडेशन अप्लाई करो, एंड नाइट में जो मैं सेकंड यूज बोल रही हूँ वो नाइट में फिर से आप डीप क्लींजिंग ऑयल से अच्छे से फेस क्लियर कर लो। फिर एक ही, जैसे मैंने पहले टाइम बोला, आप फिर से 5 drops आप अप्लाई कर लो। उसके बाद अच्छे से हल्का हाथों आप अपवर्ड सर्कुलर उसको अप्लाई कर लो।
के बाद सो जाओ, या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बेस में आप योतलिक्षर दे रहे हो, उसके बाद आपका हाइड्रेशन जरूरी है, तो योतलिक्षर के लगाने के 15 मिनट बाद आप हाइड्रेशन अप्लाई करके सो सकते हो। तो ये तो हो गया। तो अभी जो मेन बिजनेस पार्ट जो मैं आती हूँ वो है इसका पीवी। तो ये जो आप देख रहे हो योग एलिक्सर, इसका डीपी प्राइस है 1450 एंड इसका पीवी है 48.33, जो बिजनेस में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है। एंड जो लास्ट में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि स्किन को यूथफुल एंड पॉलिश दिखाने के लिए, एंड कोई भी अगर आपकी फ्लॉज है जो मैं आप लोगों को अभी इतना देर बोली उसको ठीक करने के लिए आपको योग एलिक्सर दिन में 2 बार लगाना जरूरी है। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।